प्रसाद मुखर्जी की शहादत का ये पूर्व संध्या है। मुंबई शहर में दीप कमल फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से इस शहर में जन जन को बताने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के ऐसे बिरले नेता थे जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। चंद मिनटों में हमारे आदरणीय नेतागण आप सबके बीच में आएंगे। अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किन परिस्थितियों में देश के लिए अपनी कुर्बानी दिए। ये बहुत कठिन काम है जब देश का प्रथम उद्योग मंत्री, देश का प्रथम वाणिज्य मंत्री, देश की सत्ता में काबिज एक काबीना मंत्री अपने पद से हटकर देश की एकता अखंडता के लिए संघर्ष करता है। हम सबको ये पता होगा कि जम्मू कश्मीर में एक जमाने में देश आजाद हो गया था। 1947 15 अगस्त के बाद भी देश में कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में यदि जाना चाहता था तो उसे परमिट लेना पड़ता था, वीजा लेना पड़ता था। जम्मू कश्मीर में भी देश की तरह एक वजीर आलम होते थे, वहां के अलग प्रधानमंत्री होते थे। इस परमिट प्रथा के खिलाफ जंग का ऐलान किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। यह कठिन काम था। अच्छे खासे सरकार में एक रुतबेदार मंत्री पद छोड़कर संघर्ष का बिगुल बजाता है। पाकिस्तान के मंसूबों को तोड़ता है। जब देश विभाजन हो रहा था तो पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में बड़े हिस्से का पंजाब जा रहा था और बड़े हिस्से का बंगाल जा रहा था। अगर आज बंगाल और पंजाब, पश्चिम बंगाल और पंजाब हिंदुस्तान में है और किसी राजनेता की देन है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। उनके संघर्ष के बाद ये हो पाया। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आदरणीय मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर जी का आगमन होगा। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार अभी तक जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन कई ऐसी मांग जिस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता था और कश्मीर के हित में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह निश्चय किया कि वहां की सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाए। वहां की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे, ऐसे दिलेर और जाबाज उप मुख्यमंत्री रहे। कविंदर जी गुप्ता का आज सुबह ही यहां आगमन हुआ है। वैष्णो देवी मां के का यह सपूत, भारत मां का यह लाल, मां मुंबा देवी के आंगन में पधारा है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनका मुंबई में स्वागत करता हूं। कुछ ही क्षणों में वे भी हम सबके बीच में यहां आएंगे। इन सब के साथ मुंबई भारतीय जनता पार्टी के
अध्यक्ष, विधायक एडवोकेट आशीष शेलार जी भी आएंगे। हम सबको पता है कि फिल्म के पर्दे पर जिसने बखूबी जवान का किरदार निभाया, सेना के जवान के रूप में जिसकी ख्याति है, ऐसे अभिनेता सुनील शेट्टी भी आ चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय हंसराज अहिर जी जैसे ही यहां पहुंचते हैं, अगले दो मिनटों में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मुंबई शहर की आपाधापी के बीच मुंबई का पत्रकार, मुंबई के जनसामान्य और मुंबई का देश प्रेमी नागरिक, जम्मू कश्मीर से उठी आवाज देश के आवाम तक ले जाने के लिए कैसे कृतसंकल्पित है, इसका नजारा हम लोग आज यहां देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि 8:30 बजे का टाइम किसी भी समय सुनिश्चित होता है, कोई भी समय, तो उसके थोड़ी देर बाद कार्यक्रम शुरू होता है। लेकिन मुझे खुशी है कि समय पर हम इस कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसे संजीदा, संवेदनशील, देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले, देश का एकमात्र कोई राजनीतिज्ञ है तो उस राजनीतिज्ञ का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं चाहूंगा कि हमारे अतिथिगण जब यहां पर आए, जिनके साथ देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं और इस देश में एक नया चर्चा का विषय शुरू करने का काम, देश प्रेम की का जाजल्यमान उदाहरण प्रस्तुत करने का काम यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम है कविंदर गुप्ता। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर वहां की सरकार और जम्मू कश्मीर में किस तरह शांति आए, कैसे अमन चैन आए, उसके लिए संघर्ष का शंखनाद करने का काम वहां के आदरणीय उप मुख्यमंत्री रहे। मैं निवेदन करता हूं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज भैया आहिर, उनके साथ श्री कविंदर गुप्ता जी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे बहुत दिलेर यशस्वी अध्यक्ष आशीष शेलार जी, आपको एक रोबीला शख्स जो अक्सर आपको टेलीविजन के पर्दे पर देश में कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है, ऐसे डॉक्टर उदय निरगुड़कर जी जिनका सम्मान होना है। मैं दावत देता हूं मैं अपने अतिथियों से निवेदन करता हूं
कि माँ भारती के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पहार हार रखकर विनम्र श्रद्धांजलि दें, उनकी यादों को इस देश की जनता जन जन तक ले जाए, देश स्वतंत्र भारत में देश की एकता अखंडता को कश्मीर हमारा है, मैं समारोह में सुहास अडिवेनेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि मंच पर आएं। सुहास अडिवेनेकर, संतोष केलकर और मित्रों, अविलंब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो इसके लिए मैं मुंबई भाजपा के अध्यक्ष भाई आशीष शेलार से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर जी हैं, उनको गुच्छ देकर, स्मृति चिन्ह देकर और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करें। आप जोरदार तालियों से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय हंसराज भैया अहिर का स्वागत करें। दिल्ली से सीधे इस समारोह में शिरकत करने के लिए पुष्पगुच्छ लेकर स्वागत कर रहे हैं। मित्रों, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति में सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की परवाह किए बगैर जन भावनाओं की, आज जिसे निवेदन करता हूं, मुझे लगता है कि आपकी तालियों में वो बात नहीं है। जम्मू कश्मीर जिसके लिए पिछले कई बार कई सालों से ये चाह रहा था, मुझे लग रहा है कविंदर जी आपको पहले ही अगर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया होता तो आप ये निर्णय ले लिए होते। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी के दिए को एक मशाल के रूप में जलाने वाले और इस धधकती ज्वाला को जन जन तक पहुंचाने वाले मुंबई भाजपा के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार का स्वागत करने के लिए युवा मोर्चा के नेता दीपक सिंह को निवेदन करता हूं कि पुष्पगुच्छ देकर, स्मृति चिन्ह देकर, हिंदी फिल्मों में एक गीत लोगों के जहन में आज भी कौंधता है और नई पीढ़ी के लिए वो एक आदर्श, किस तरह सेना का जवान बॉर्डर पर होता है तो उसके अपने घर की याद सताती है। और उस गीत को जिस पर फिल्माया गया, ऐसे पर्दे के रोबिले जवान संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं। मैं सुनील शेट्टी जी भाई आशीष शेलार जी से निवेदन करता हूं कि शॉल त्रिफल और पुष्पगुच्छ देकर सुनील शेट्टी का स्वागत करें। एक अतिव्यस्त अभिनेता, सामाजिक जवाबदारी के तहत जो व्यक्ति
हम सबको मिलने के लिए हमारे इस समारोह में आए। आपके सुनील शेट्टी जी, तालियां जोरदार होनी चाहिए, जैसे पर्दे पर सुनील शेट्टी को देखकर होती है वैसी तालियां। बहनों और भाइयों, एक बहुत संवेदना को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए थे, और इस शहादत में काम करते हैं। इस देश पर अगर किसी का ऋण है तो सेना के जवान का है, और उससे ज्यादा उसके दर्द को झेलने वाली उसकी मां का है। मैं ऐसी ही मां को आपके बीच में दावत देता हूं कि वे आए, हम सब ने खड़े होकर उनका स्वागत करना है। नानूबाई माने कोल्हापुर से आए।